सादर सहृदय नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही प्रेरणादायक अनमोल भावपूर्ण अनुभव के माध्यम से यह जानेंगे कि समर्पण शरणागति क्या है, इसके क्या लाभ है और कैसे जाए प्रभु शरण में। मेरे प्यारे दोस्तों, समर्पण कोई साधना पूजा पाठ अथवा मंत्र जाप नहीं है। समर्पण तो हमारे हृदय का वह विशुद्ध भाव है जिसमें हम स्वयं को परमात्मा के प्रति अर्पण कर देते हैं। समर्पण अर्थात स्वयं को अर्पण, अर्थात अपने जीवन नया की पतवार जिम्मेदारी परमात्मा के हाथों में सौंप देना है। यह वो आत्म कल्याणकारी भाव है जिसमें अपने बुद्धि ज्ञान की श्रेष्ठता का भाव अर्थात ईगो अहंकार भी परमात्मा को अर्पण करना होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग पिछले 15 सालों से फेसबुक आदि सोशल मीडिया के माध्यम से समर्पण भाव ही बांटता रहा हूँ, क्योंकि प्रभु जी ने एक सच्चे गुरु के रूप में इसी भाव को ही बांटना जीवन का सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग बताया है। वैसे तो सामाजिक दृष्टि से यह एक पागलपन ही लगता है, परंतु जनसेवा संकल्पबद्ध होने के कारण मेरे लिए मान अपमान का मोह भी अधर्म और अनुचित है। एक बार जब मैं गांव गया तो अपने स्वभाव अनुसार जनकल्याण की भावना से संपर्क में आने वाले भाई बहनों को समर्पण भाव के लिए प्रेरित कर देता था। एक दिन जब मैं घर पर ही बैठा था तभी एक बहन आई और सकुचाते हुए मुझसे कहने लगी, भैया जी मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताए जिससे जीवन में शांति आ जाए। मैंने कहा, बहन यह शांति तो मन की अवस्था होती है, हम व्यवस्थाओं में ढूंढते हैं, यही हमारे दुख का कारण होता है। मन की शांति तो हम सुख दुख के बंधनों से ऊपर उठकर ही प्राप्त कर सकते हैं। ये सुख दुख तो माया की व्यवस्था है जिसके कारण ही यह संसार चलायमान है। परमात्मा के द्वारा रची गई इस सुख दुख की माया के बंधनों को तोड़ पाना मनुष्य के पुरुषार्थ के बस की नहीं है। इसके लिए हमें परमात्मा का आश्रय लेना आवश्यक है, जिसके लिए हमारा परमात्मा के प्रति हृदयगत समर्पण अति आवश्यक है। फिर मैंने उस बहन को समर्पण अर्थात शरणागति भाव को सरल शब्दों में समझाने के लिए पूछा कि क्या आप ईश्वर में विश्वास करती हैं? यदि करती हैं तो कितना करती हैं? तब वो बहन कहने लगी कि मैं भगवान शिव जी में बहुत विश्वास करती हूँ, मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा करती थी और जो मांगती थी वह मिल जाता था, परंतु अब नहीं। मैंने कहा, बहन यही तो हम भक्तों के दुर्भाग्य की विडंबना है कि हम परमात्मा से जीवन भर सदैव कुछ न कुछ मांगते रहते हैं परंतु समर्पण नहीं करते हैं। हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान माया के बंधनों में बंधा होता है, इस कारण हम वही मांगते हैं जो हमें श्रेष्ठ लगता है। परमात्मा से अधिक स्वयं की बुद्धि और ज्ञान पर विश्वास करते हैं, इसी कारण ही हम वह सब प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो हमारे लिए परम आवश्यक और अनिवार्य होता है। फिर मैंने समर्पण को सरल शब्दों में समझाने के लिए उस बहन को एक उदाहरण दिया। मैंने कहा, मान लो बहन दो अलग अलग भक्त हैं। दोनों भक्तों ने अपनी पूजा जप तप आदि के माध्यम से भगवान को प्रसन्न कर लिया। एक भक्त को प्रभु जी ने दर्शन देते हुए कहा, मान दो भक्त क्या चाहते हो, गरीब होने के कारण उस भक्त का मन भौतिक सुखों में आसक्त था, सो उसकी दृष्टि में धन वैभव मान सम्मान ही श्रेष्ठ था, इसलिए उसने वैसा ही वर मांगा और प्रभु जी ने वैसा ही वर दे दिया। उस भक्त का जीवन धन वैभव मान सम्मान और सुख साधनों से भरपूर हो गया, परंतु उसका मन सांसारिक माया के अधीन होने के कारण धीरे धीरे उन भौतिक विषय वस्तुओं से प्राप्त सुख का बोध समाप्त होने लगता है, जिसके कारण उसके मन को पुनः कामनाएं और अशांति घेरने लगती है। यदि मन को शांति ना मिले तो धन और वैभव का क्या मोल। अब वही प्रभु जी ने दूसरे भक्त को दर्शन देते हुए कहा कि मान लो भक्त कैसा वर चाहते हो। वह भक्त बड़ा ही सरल था, उसे अपनी बुद्धि और ज्ञान पर तनिक भी अभिमान नहीं था। वो जानता था कि मेरे भले बुरे का ज्ञान मुझसे कहीं अधिक मेरे प्रभु जी को है, सो वो भक्त प्रभु जी के श्री चरणों में लौटते हुए कहने लगा, हे प्रभु आप इस जगत के स्वामी हैं, इस जगत के रचनाकार हैं, सो आपकी बुद्धि और ज्ञान के सम्मुख मेरा ज्ञान तो एक धूल के सूक्ष्म कण के समान भी नहीं है, जिससे मुझे उचित अनुचित अच्छे बुरे का तनिक भी ज्ञान नहीं है। इसलिए हे नाथ, अब मैं अपने आप को आपकी शरण में सौंपता हूँ, अब आपके ज्ञान और बुद्धि के अनुसार मेरे लिए जो श्रेष्ठ लगे वही मुझे प्रदान करें।
उस भक्त के इस प्रार्थना पर प्रभु जी अति प्रसन्न हुए, उसे अपनी माया से अभयता प्रदान करते हुए वो दुर्लभ कृपाएं प्रदान करते हैं जो हम साधारण जनों के लिए अति दुर्लभ परंतु आवश्यक होती है, जिसके कारण उस भक्त का मन अच्छे बुरे प्रत्येक परिस्थितियों में भी शांति प्रेम आनंद और भक्ति भाव से ओतप्रोत रहने लगता है। अब मैंने उस बहन से पूछा कि बताओ दोनों भक्तों में कौन सा भक्त श्रेष्ठ था। उस बहन ने उत्तर दिया, दूसरा भक्त जिसने प्रभु जी के प्रति स्वयं को अर्पण कर दिया। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक समझा बहन। वास्तव में यह धन ऐश्वर्य मान सम्मान आदि स्थितियां जब तक हमें प्राप्त नहीं होती है तब तक हमें बहुत बड़ी उपलब्धि प्रतीत होती है, परंतु जब यह हमें प्राप्त हो जाती है तो हमें इसकी आदत हो जाती है, जिसके कारण उनसे मिलने वाले सुख का बोध भी समाप्त हो जाता है। फिर हमारा वही मन सब कुछ उपलब्ध होने के पश्चात भी हमें दूसरे विषयों की ओर भगाने लगता है, जिससे मन की शांति कभी नहीं मिल पाती है। हालांकि मन की अशांति के अनंत कारण होते हैं, उन कारण और परिस्थितियों में भी हमारे मन की शांति कैसे स्थिर और स्थायी रहे यह बात सर्वव्यापी प्रभु जी भली भांति जानते हैं। हमारे जीवन में कब किस क्षण अनहोनी घटित हो जाए इसका किसी को कोई ज्ञान नहीं होता है, परंतु ऐसे अनहोनी से कैसे सुरक्षित रहना है इसका प्रभु जी को पूर्ण ज्ञान है। जब हम भगवत परायण होते हैं अर्थात परमात्मा की शरण में होते हैं तो भगवत कृपा से हमें वह दुर्लभ ज्ञान और आध्यात्मिक स्थितियां प्राप्त होने लगती हैं, जिसके प्रभाव से हम दुर्गम परिस्थितियों में होते हुए भी आत्मिक शांति में स्थिर रहते हैं। हम सर्वदा सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो कि बड़ी से बड़ी धन संपत्ति भी प्राप्त करने के पश्चात भी दुर्लभ होती है। समर्पण के अनंत गुण और लाभ है जो भगवत कृपा से धीरे धीरे हमें ज्ञात होने लगता है। अब सवाल ये है बहन की, कैसे जाएं प्रभु शरण में। बहन, यह तो हमारे हृदय का एक विशुद्ध भाव मात्र है, जिसमें हमें अपने ज्ञान और बुद्धि की श्रेष्ठता का भाव भी परमात्मा को अर्पण करना होता है। इसलिए आप जिसकी भी भक्ति करते हैं करते रहे, परंतु समर्पण की प्रार्थना करते समय यह भूल जाए कि आप किसके भक्त हैं। आपकी बुद्धि और ज्ञान में जो प्रभु श्री राम श्री कृष्ण शिव निराकार साकार ईसा मसीह साईं राम अल्लाह आदि के प्रति जो श्रेष्ठता का भाव है वो सब भूल जाए, क्योंकि सबका मालिक एक है। क्योंकि समर्पण के द्वारा हमें परमात्मा को जो अर्पण करना होता है वह हमारे मन का अहम अहंकार ही तो है। इसलिए निर्मल और निष्पक्ष भाव से प्रार्थना करें कि प्रार्थना नंबर एक, हे जगदीश्वर, हे जगत के आधार, मैं अपना जीवन आपको अर्पण करता हूँ। मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा अब आपकी जिम्मेदारी है। प्रार्थना नंबर दो, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि आप ईश्वर हैं या अल्लाह, परंतु आप जो भी हैं जैसे भी हैं मैं अब अपने आप को आपकी शरण में सौंपता हूँ, आपके सुपुर्द करता हूँ, इसे अब आप ही संभालिए। प्रार्थना नंबर तीन, हे नाथ, अब अपने इस जीवन नया की पतवार आपके हाथों में सौंपता हूँ, अब इस जीवन को आप ही संभालिए। आप इनमें से कोई भी प्रार्थना सुबह जागने के बाद बिस्तर पर ही बैठे बैठे अथवा रात में सोते समय भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बचपन से ही जिस धर्म मजहब के संस्कारों के अनुसार पले और बड़े होते हैं उनसे प्राप्त ज्ञान और उनके प्रति श्रेष्ठता का भाव प्रभाव हमारे हृदय पर ऐसा होता है कि हम अपने अहम का पूर्णतया त्याग नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रातः स्नान के बाद एक लोटा या अथवा एक अंजलि जल लेकर उसे गिराते हुए समर्पण का संकल्प एक बार जरूर करें। ऐसा करके हम परमात्मा के प्रति स्वयं को अर्पण करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण यदि हमारे समर्पण भाव में अशुद्धि हो तो भी वह पूरक हो जाती है। इसलिए समर्पण की प्रार्थना कम से कम एक बार जल के साथ अवश्य करें और अपने बच्चों के जीवन को भी आरक्षित सुरक्षित करने के लिए उनसे भी करवाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके इस सेवक की समर्पण की प्रेरणा कैसी लगी यह कमेंट में जरूर बताएं। यदि कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी जिज्ञासा ही मेरी प्रेरणा है। जनहित में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं इस चैनल के माध्यम से इससे भी अधिक भावपूर्ण और प्रेरणादायक अनुभव और भगवत प्रदत्त अनमोल ज्ञान प्रसाद बांटता रहूंगा, जिससे आपके जीवन में शांति प्रेम आनंद और अनंत भगवत कृपाओं का प्रादुर्भाव हो। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे किसी प्रेरणादायक अनुभव के साथ।
प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आश्रय प्रदान करें। जय श्री हरि।